जय हिंद आप सभी को। आज बहुत दिन के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं और जितना भी जो भी बात छूटा हुआ था सबको कवर करेंगे, चाहे SSCGD को लेकर के हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो। ठीक है, अभी आप लोग का मेडिकल होने वाला है, थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए। बाकी जितना भी और भी वैकेंसी आप लोग, चाहे ट्रेड्समैन हो या हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, जिसमें भी आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, सबके बारे में लगातार बातचीत हम करेंगे। फ्री हो गए हैं थोड़ा सा और आप लोग को जानकारी हम यही देना चाहते हैं कि देखिए 2023-24 के अंदर में अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक साल लाखों करोड़ों विद्यार्थी 10th 12th पास कर रहे हैं और सबको जनरल कंपटीशन में आने का प्रयास करता है। ठीक है, और आजकल ऑनलाइन सिस्टम ऐसा नहीं कि डिबिया और लैंप जला करके लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद नौकरी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आजकल सबके पास अच्छा अच्छा साधन है, सब कुछ है, अच्छा से अच्छा मटेरियल है, तो आजकल जल्दी जो है लोग शॉर्ट ट्रिक से मार करके जॉब ले लेता है। लेकिन आप लोग इतना मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं, फिर भी नया कैंडिडेट कुछ भी कर ले आप लोग उससे ऊपर ही रहेंगे। हाँ, लेकिन तब तक ऊपर रहेंगे जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी तैयारी में नरम हुआ, ठीक है, तो आप लोग नीचे चले जाएंगे, फिर कुछ उपाय नहीं है, फिर 10 साल लटकिए आप लोग। इसीलिए आपको बता रहे हैं यही इलेक्शन के समय में आप लोग को वैकेंसी मिलेगा, जॉब ले लीजिए। और अभी भी प्रक्रिया तो पूरा चल ही रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी आप लोग का SSCGD का मेडिकल होने वाला है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सिर्फ आपको ये बता दिए कि अब हम लोग डेली, चाहे सुबह या शाम, जब भी वीडियो आएगा SSCGD को लेकर के आएगा, जितना भी ट्रेड्समैन का रहे, चाहे CRPF का रहे, BSF का रहे या हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल रहे, और जितना भी स्टेट पुलिस अभी आप लोग देख रहे हैं, सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम भी देंगे, तैयारी अपना जारी रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो है ऑल इंडिया SSCGD ग्रुप, वो भी ओपन होगा। व्यस्त थे इसीलिए ओपन नहीं हो रहा था, थोड़ा सा दिमाग और कहीं था, ओपन नहीं कर पा रहे थे इसलिए। और आपको बताते हैं, देखिए लड़का में जो 50 ग्राम दिमाग जो एक्स्ट्रा होता है ना, वही उसको बर्बाद कर देता है, ठीक है। उसी 50 ग्राम दिमाग में इतना गंदगी भरा रहता है, इसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में सोचेगा, ये सब चीज़ जिस दिन बंद हो गया लड़का में सोचना, वो सक्सेस कर जाएगा, ठीक है। बाकी आजकल इधर उधर का इस सब के चक्कर में मत पड़िए, कुछ उपाय नहीं है। और एक बात और, आजकल प्यार मोहब्बत वाला बहुत ज़्यादा नाटक चल रहा है, आप एक बात समझ लीजिए, आपको आपके माँ बाप को छोड़ा करके और कोई प्यार कर ही नहीं सकता। अगर कुछ प्यार है तो उसी को कहा जाता है, सिर्फ माँ बाप को आप देखिए। और अगर कोई बोलता है आपसे प्यार करता है, भैया कुछ ना कुछ स्वार्थ उसके पीछे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे तरह तो कोई लोग है नहीं जो कि बिना स्वार्थ का किसी के पीछे जुड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी कभी किसी के लिए अपशब्द या गलत वर्ड ना निकालें। आपको यही कहना चाहेंगे, चुपचाप अपना नॉर्मल हो जाएं, शांत हो जाएं, पढ़े लिखे, अपना ध्यान दीजिए, अपना करियर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई आपसे बाद में ये नहीं पूछेगा, सब कोई आपको ये कह के चले जाएगा बाद में कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, इसलिए वो सब फालतू चीज़ है, उससे बाहर निकलिए। एक सरकारी जॉब हो जाएगा, सब दिन TA DA HRA मिलते रहेगा, परिवार बच्चा खुश रहेगा, समझे, टेंशन नहीं रहेगा कि आलू का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया और आपका कंपनी वाला पैसा नहीं बढ़ा रहा, ये सब टेंशन नहीं रहेगा सरकारी नौकरी लगने के बाद, ठीक है। इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा कंपनी छोड़ के लोग सरकारी नौकरी लेना चाह रहा है। बहुत कुछ बात है जो आप लोग से करना चाहते हैं, और कुछ ट्रिक भी है, कुछ टिप्स भी है जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं, कि ऐसे 10-12 घंटा सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता, जब तक आपके दिमाग का ढक्कन खुला है तब तक ही पढ़िए, जब उसके अंदर जा रहा है तब तक ही पढ़िए, नहीं तो 12-14 घंटा बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर 12-14 घंटा बैठने से आपको लाभ हो रहा है तो बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही चीज़ उतना ही कीजिए जिससे आपको लाभ हो, बाकी आप इन्जॉय कीजिए एकदम, जीवन का आनंद लेना भी जरूरी है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार पढ़ लेंगे अगले बार आनंद लेंगे, किसी जीवन में सब कुछ करना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसमें डूबना नहीं है बस, और किसी को कभी धोखा नहीं देना है, अपने आप को कभी धोखा नहीं देना है, ठीक है। बाकी शक्ति पैदा कीजिए अपने अंदर। और एक बात और, देखिए दुनिया आपको भटकाने के लिए लगा हुआ है, ठीक है, पूरा समाज आपको बर्बाद करने के चक्कर में है। सबसे बड़ा हीरो और सबसे बड़ा कलाकार वही है जो कि विषम परिस्थिति में रह के भी अपने आप को संभाल ले, हैंडल कर ले और लक्ष्य के लिए हर एक कदम आगे बढ़ाए, ठीक है। बाकी सब लोग नर्वस हो जाता है, गिर जाता है, रोने लगता है, क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का यार। एकदम अगर आप जंगल में भी, झाड़ में भी फंसे हुए, एकदम ऐसा दलदल में आप फंसे हुए, उसके बाद भी आप मुस्कुरा रहे हो और आप आनंद लेते हुए, मतलब स्ट्रगल को जो है मौज बना लो। क्या कहा जाता है कि जितना संघर्ष हर एक के लाइफ में, आप अभी संघर्ष करो, अभी अगर आप अभी संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर वही गार्ड और चपरासी का नौकरी करते जीवन भर संघर्ष करना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं अभी संघर्ष कर लें आप, ठीक है। तो संघर्ष से पीछे मत भागिए, हाँ, लेकिन संघर्ष में अगर आप आनंद लेना शुरू कर दिए, ओहो, उसके बाद तो पूछिए मत कि ज़िंदगी का आनंद क्या है, ठीक है, उसके बाद तो सोचिए सब कुछ आपको मिल गया। तो अगर आप विषम परिस्थिति में हैं, इसका मतलब आप में क्वालिटी है, ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए। जो भी बात है हम लगातार आपसे करेंगे, तत्काल आप लोग अच्छे से रहिए, हम आ गए हैं और लगातार आप लोग से मिलते जुलते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है, आप लोग हमारे सब मित्र हैं, भाई बहन हैं,
अच्छे से रहिए सबको। धन्यवाद। जय हिंद।